नाउ स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 8। क्वेश्चन इज अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट एच एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर एल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज एच टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। एच टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन, ये हाइट है जो टावर की, वो आपको ये। नाउ स्टूडेंट सी द फिगर। बी सी इज अ टावर एंड ए बी इज द फ्लैग स्टाफ। The flag staff is surmounted on the top of the tower. The height of the height of the flag staff is h unit. It is given in your question. Surmounted means के ऊपर, जैसे ये tower के ऊपर इसको surmount किया गया है, लगाया गया है flag staff. Ground के किसी point से, ये सीधी ground होगी। D से फ्लैग स्टाफ का बॉटम बी है का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बना, देखिए अल्फा बन गया। और यहीं से फ्लैग स्टाफ का टॉप एंगल बीटा बना रहा है, देखिए पूरा बीटा हो गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा दिया है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा डायग्राम पूरा। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो टावर है, इट इज अ टावर, बी सी टावर, इसी की हाइट को निकालना है। निकालने के बाद आपकी हाइट इतनी आनी है, हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ द टावर एस टेन एल्फा पॉइंट टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, ये आना चाहिए। आंसर प्रश्न के लिए प्रूफ कीजिए, इतना आएगा, क्लियर है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, कोई दिक्कत ना हो तो। ट्रायंगल बी सी डी, बी सी क्या अप्लाई करेंगे, टेन एल्फा अप्लाई करेंगे। देखो इस वाले में एल्फा है, बीटा नहीं है, ठीक है ना, टेन एल्फा। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। दिस इंप्लाइज टेन एल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका क्या है, एक्स। अच्छा आपको बता दें कि टावर की हाइट को हमने एक्स से ज़ूम कर लिया है, क्योंकि एच था इसलिए एच नहीं एज्यूम किया, और सी डी को हमने वाई एज्यूम कर लिया, तो बेस आपका हो जाएगा वाई। यहां से अगर हम वाई निकालना चाहे, वाई अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स बाई टेन एल्फा। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि सर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यों नहीं निकाल लिया, ठीक है ना। x निकाल देंगे, जब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो x आपका खत्म हो जाएगा, जबकि x ही हमको, ये x ना हाइट ऑफ द टावर है, इसको हमको बचाए रखना है, ठीक। हम यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे उसको समझ जाओगे अगर आपको डाउट रखना होगा। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, दूसरा राइट एंगल ए सी डी है, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, टेन बीटा, क्या होगा, एच प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका ए सी है और बेस आपका सी डी है, ठीक है। डायग्राम देखिए, ए सी परपेंडिकुलर होगा, टेन बीटा रहेगा और ए सी आप देख के बताइए कितना होगा, एच प्लस एक्स होगा अपॉन सी डी कितना होगा, वाई। अभी y की वैल्यू मत रखिए, अभी रखने में आपको फ्रैक्शन हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा कठिन लगेगा, पहले आप इसको क्रॉस y निकाल लो यहाँ, तो y निकालोगे तो आपको मिलेगा h by plus x by tan बीटा। जरा देखो ध्यान से, आएगा कि नहीं आएगा, tan इधर आ जाएगा, y उधर चला जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दे, बहुत आसान हो जाएगा, y की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से निकाल दीजिए, तो यहां लिख देंगे h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू h प्लस x अपॉन
टैन बीटा। अच्छा कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यही वैल्यू पुट कर लेते या हम सर ऐसे ना करके इस तरीके से कर लेते, आप कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करें, आपको कैलकुलेशन करना है, वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, इसमें ऐसा कोई नहीं कि सर सर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो वाई टेन एल्फा निकाल लेते तो क्या हो जाता, नहीं तभी भी आएगा, ठीक है ना, तो आप उसको अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन को कर सकते हो। अब यहाँ पहुंच गए, इसके बाद ये फ्रैक्शन बन गया, तो ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि इसको आगे इसको क्या लिखना है, ठीक है, चलो कुछ बच्चों से पहले पूछ लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए अब इसको क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन बन गई, एक फ्रैक्शन इधर एक फ्रैक्शन इधर, इसमें सब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा ध्यान देखो, एक्स एक्स टेन एल्फा टेन बीटा एक्स टेन बीटा एक्स टेन बीटा इक्वल टू टेन एल्फा इंटू एच प्लस एक्स, तो हो जाएगा एच टेन एल्फा प्लस एक्स टेन एल्फा, क्या समझ में आता है, टेन एल्फा का एच के साथ भी होगा और टेन एल्फा का एक्स के साथ, क्लियर हो गई बात। अच्छा आपको निकालना क्या है, आपको एक्स चाहिए, इट इज एक्स, ध्यान देखो ये एक्स हाइट ऑफ द टावर, तो हमको एक्स वाला टर्म एक तरफ होना चाहिए बाकी सभी दूसरी तरफ होने चाहिए, तो एक्स यहां पर है और एक्स यहां पर है, ध्यान देखो ये इट इज एक्स एंड इट इज एक्स, ये दोनों एक साइड में होने चाहिए, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे अगला स्टेप, एक्स टेन बीटा माइनस x tan alpha is equal to h tan alpha, देखो समझ में बात आई नहीं आई, क्योंकि हमको height of the tower निकालना है, वो x होता जहां जहां x वाला टर्म होगा उसको एक साइड में रखेंगे ट्रांसफर करके ले आएंगे, ये स्टेप आ गया सबकी समझ में, yes, sir. अब हम क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे, देखो कॉमन हो जाएगा, yes, sir. क्या आएगा tan beta minus tan alpha is equal to h tan alpha, ठीक है, अब आपको x चाहिए मिल जाएगा, x ध्यान देखो कैसे मिलेगा, yes. x इक्वल टू एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ध्यान से बताइए यही आपको प्रूफ करना है, क्यू ए डी क्वाड क्रिएट डेमोन्स्ट्रेटम, यही आपको प्रूफ करना है, ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए यही चीज आने की H tan alpha upon tan beta minus 10, okay?